जी, आज का हमारा टॉपिक है यूरोप में रेस्टोरेंट या पिज्जा लोग बना तो लेते हैं, लेकिन उसे मेंटेन कैसे करना होता है, उसे आगे कैसे लेके जाना होता है, इस बारे में लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते। तो आप अपने आइडियाज या टिप्स जो आपको पता है आप वो हमसे शेयर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल ज़रूर मैं शेयर करा। सब तो पहले है कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी शायद ना हो, क्योंकि मैं पंजाबी बोलना तो पंजाबी में गल करना चाहवाँगा। दूसरी गल इतने ऐड इस तरह करा कि जो भी तुसी कोई डाइट प्लान किसी को लेंदे हो ना, तो जो किसी बॉडी बिल्डर को तुसी पुछोगे ना, तो तुहानू ज़्यादा मतलब वो यकीन होगा। इसी तरह किसी बिजनेसमैन को बिजनेस टिप लेंदे हो तो ज़्यादा यकीन होगा। जिस तरह तुम्हें पता है कि मैं कोई 2-3 महीने पहले एक नवा रेस्टोरेंट लिया, उस रेस्टोरेंट में लास्ट 3-4 साल तो 3-4 बंदे ने ट्राई किया है, लेकिन वो नहीं चलिया। अलहमदुलिल्लाह मैं चलो पहले 15 दिन की नहीं कहता, वो तो बाद मेरी सेल 15 आखिरी दिनों की या अगले महीने की सेल जी ऐसी सी कि अलहमदुलिल्लाह एक बहुत अच्छी जो कि मतलब नॉर्मल गिनी जाती है वो हो गई। यदा मतलब यह है कि मेरे आइडियाज कम कर रहे हैं। हूँ आइडियाज साढ़े की ने, सू शुरू चलो दुकान खोलते सी ले, चाहे वह रेस्टोरेंट है, चाहे असी पिज़्ज़ा शॉप है, कोई भी चीज़ असी करते लिया, सब तो पहले जरूरी की चीज़ है टीम तैयार करना। दूसरी की चीज़ है क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना करना, तो तीसरे नंबर पर थोड़ी प्राइस होनी ने। टीम तैयार करने का जो सब तो पहले बेहतरीन एक तरीका यह है कि तुम प्रोफेसनल बंदे ढूंढो कि जेड़ा भी काम कर रहे हो, बेशक टीम छोटी होम वही हो तो वास्ते बंदे जोड़े ने प्रोफेसनल होने चाहिए ने। मैं अक्सर भरावान ये भी वेख्या कि 40-50 या 60 हज़ार यूरो तक यूरोप में ला लेंगे ने, तो फिर बाद कारीगर ढूंढन लग पे 800-900 हज़ार वाला, मतलब जो जितना वायलट है ना उस हिसाब न पैसे लगेगा तो उस हिसाब न मंगेगा, जिदी वजह ना तो मतलब बंदे प्रोफेसनल नहीं है तो काम नहीं चल सकता। बंदे ट्राई कर लाजमी आते हैं, जिस टाइम ट्राई कर आते हैं तो चीज़ अगर अच्छी नहीं बनी, क्योंकि प्रोफेसनल बंदे की नहीं बनी, प्रोफेसनल बंदा तो घट पैसे नहीं लग सकता। आपके ख्याल में प्रोफेशनल टीम कैसे बनती है? प्रोफेशनल टीम कैसे बनती है, मतलब वो ही प्रोफेशनल टीम बनती कैसे है, मतलब पहले तो मैं दस चुके हाँ कि तुसी प्रोफेशनल बंदे जड़े ने तुहाडा कम अज कम जो पिज़्ज़ा मेकर है, जो कुक है, जो वेटर है, जो थोड़ा डोमिसाइल वाला है, जोड़ा मैनेजमेंट करने वाला है, ये 5 बंदे तो पक्के थोड़े प्रोफेशनल होने चाहिए ने, जिन्हें ऑलरेडी कम ठीक ठाक किए आए। यह नहीं है कि बंदा सीख जाता है, बिल्कुल बंदा सीख जाता है, क्योंकि पहले दिन किसी ने भी नहीं काम आ रहा होता, बंदा करता है पहले दिन शुरू करता है उतों ही कुछ सीखना शुरू करता है। लेकिन वेखना सी है वे कि असी काम नवा ही शुरू कर रहे हैं, उत्थे वे तुसी बंदे दूसरे ऐड कर तो सकते हो मतलब नॉन प्रोफेशनल, लेकिन जेडे 5-6 टीम के बंदे होने चाहिए प्रॉपर प्रोफेशनल होने चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल के साथ साथ और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसमें ऐड करना चाहेंगे, या कौन से आपके आइडियाज़ हैं जो इसमें होना जरूरी है? आइडियाज़ ये वेखो ना, सब तो पहले तो दसिया है कि जो जरूरी है कि तुहाडी टीम तैयार करना, हो सकता है तुहानू 15-20 दिहाड़े उस टीम नू बा के पैसे देने पैण। दूसरे नंबर ते गल आउंदी है पब्लिकसिटी। पब्लिकसिटी बहुत ज़्यादा किस्मां ने उहदियां, तुसी मतलब वर्के उत्ते जिहड़ा तुहाडा मेनू कार्ड हुंदा है वो तुसी लोकां दे घरां विच जाके पोस्टां विच पाउंदे हो, उहदे तों इलावा फिर जिस टाइम वो बंदे तुहाडे कोल आउंदे ने आउंदे लाजमी ने। यह तो हो ही नहीं सकता कि तुसी नवीं दुकान खोलो तो तुसी उस जोन में सही तरह पब्लिसिटी की हो तो बंदे तुहाडा टेस्ट चैक करना ऐसा मुमकिन नहीं है। जो वो आते हैं वो तुहाडे कोल अगर अच्छी चीज़ खाते हैं वो जाके अपने घर अपनी फैमिली, जिस तरह मैं किसी रेस्टोरेंट पर जावां तो मैं मतलब वो अगर चीज़ अच्छी लगेगी मैं आकर अपने भरा नूं दसांगा, अपने दोस्तों नूं दसांगा, हो सकता कल्ला मैं गया सां बाद विच असीं 3-4-5-6 या 10 बंदे जाइए, असी 10 बंदे खावे सू बहुत अच्छा लगे, असं 10 बंदे अगू 10 बंदे दसाते यदा भी की असी किस तरह काम को सामभ सकते हैं। काम को सामभ सकते हैं सिर्फ साडा पिछे प्रोफेसनल ने सारे, क्योंकि काम बंदा एक आया उन्हें भी बहुत अच्छा लगे, बंदे 10 आए हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगे। एक ये पब्लिसिटी होगी तुम कार्ड मेनू पाने, दूसरी थोड़ी पब्लिसिटी लोग कर रहे हैं जेडे खा के जा रहे हैं, तीसरी पब्लिसिटी थोड़ी जी ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक ये उत्तर बकायदा पेज बनाओ, पेज बना के तुसी अपनी जितनी भी डिशा है उन्होंने सारिया तस्वीर अपने रेस्टोरेंट दस्वीर उत्ते लिखने वास्ते कोई इस हिसाब का लिखना है कि जरा समझ ठीक आ जाए और प्रॉपर तलफज ना लिखे आए कि पता ना लग रहा हो, क्योंकि असं गैर मुल्की हाँ, साढ़ा 20% ऑलरेडी काम घट हों इटालीयन या गोरे की नस्बत, वो वजह की है कि अज भी इन्हों लगता है कि 20% बंद कि सानू कम नहीं आता। ये कुछ चलो गलत गल भी नहीं है, सानू ये हकीकत है कि उन्होंने
ख्याल ना, जिस तरह हम मैं बिरयानी खानी होगा तो मैं किसी पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट से जाऊँगा ना कि मैं किसी गोरे को जाऊँगा। हो सकता उन्हें बड़े अच्छे तरीके सीखे आवे, लेकिन फिर भी एक माइंड में होगा। सेम इस तरह इन्हों के माइंड में ही होंगे, इन्हों का ख्याल है कि असं इन्हें जिनी सफाई नहीं रख सकते, ये किधरे ना किधरे वो राइट पे भी ने। सेम इस तरह मतलब तुम जो पब्लिक सिटी करते हो तुहाडे कोल आउंदे ने, तुहाडी सर्विस ऐसी बेहतरीन होनी चाहिए है कि तुम बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हो। दूसरी जिस तरह पब्लिक सिटी की गल कर रहे सी, ऑनलाइन सिस्टम उत्ते भी तुहाडा सारा लिखने का तरीका इस तरह होना चाहिए कि तुहाडे तलफ़ुज़ बकायदा इस तरह होने चाहिए कि जिवें कि इटालियन ने ही लिखा या जिहड़े मुल्क में तुम रह गए यूरोप के उसकी लैंग्वेज में सही लिखा जाए। तो बहुत लंबा ना लिखा जाए कि बंदा पढ़दियां पढ़दियां थक ही जाए, मतलब 30 सैकंड में तुम अपनी गल समझा सको उन्होंने, उसके नाल बड़ा फर्क पैंदा है। वो भी बंदे जब तुहाडी डिशां वेखदे ने, तुहाडा लोकल वेखदे ने, मतलब रेस्टोरेंट वेखदे ने साफ सुथरा है, तो वो भी मतलब लाजमी एक बार ट्राई करना जी। बिल्कुल ठीक है। तो आपकी नज़र में खाने की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, जो हम उसमें जो चीज़ें यूज कर रहे हैं वो किस क्वालिटी की होनी चाहिए? क्वालिटी की अगर इतने गल की जाए, जिस तरह कि मैं सब तो पहले गल करा कि जिस तरह से गैर मुल्की पहले भी मैं कर चुके हाँ, असी अगर बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी रखा ना तो सू फिर पैसे को नहीं बचने लगे, क्योंकि एक चीज़ असी 10 रुपए की लैके तो 9 रुपए की नहीं वेच सकते, असी प्राइस नहीं वेचना। जदों भी यूरोपियन लोग साढ़े गैर मुल्की को खाण आते हैं, उन्हें एक्सैप्ट किए आता है कि असी इन्होंने 30 रुपए नहीं देने, असी 12-13 रुपए में इन्हों को खा के आ जाना। ये प्राइस बिल्कुल लो भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर भरावान का सा ख्याल है कि बहुत लो हो गया, 5 रुपए का सारे पिज्जे ला दियो तो वेख्या काम आएगा, ऐसा नहीं होंगे, क्योंकि वो ये भी कैलकुलेशन करते हैं, चीज़ की क्वालिटी वेखते हैं, चीज़ का तरीका कर किसी प्रोफेसनल ने बनाया वेखते हैं। सेम इस तरह तुम बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम बचे कुछ ना, लेकिन क्वालिटी तुम मीडियम तो उत्ते रखनी चाहिए है, जी अगर थोड़ी प्राइस मीडियम ने तो क्वालिटी थोड़ी जी मीडियम तो उत्ते होनी चाहिए है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं चीज़ लै रहा वहाँ ये मैं पै रही है 40 रुपए में, ये मैं 60 रुपए ये तो बचा रहा वहाँ, मैं 100 रुपए वेच रहा वहाँ, क्योंकि पहले आज तो अगर 5-6-7 महीने पहले जाइए महंगाई थोड़ी घट सी, अजकल महंगाई की शरह थोड़ी ज़्यादा है, पहले 80% पैसे बचते सन वो जो तुम दूसरे सारे काम करने होंगे ने, हूँ तुम 60% या 65% या 70% के हिसाब न अपनी एवरेज कटो, यह चीज़ मैं 30 रुपए की लै रहा कम अज़ कम मेरी 90-95 रुपए की बिकनी चाहिए है। जे इन चीज़ों का तुम्हें नहीं पता तो फिर थोड़ी मैनेजमेंट इतनी खराब हो गई कि मतलब काम थोड़ा अगर मुश्किल ही आए जी। नहीं ये भी देखें कि अगर एक रेस्टोरेंट है उसकी प्राइस आप बहुत हाई रखते हैं तो वो फिर उस हिसाब से क्वालिटी जो है वो यानी उसके हिसाब से होनी चाहिए, उस हिसाब से जा सके। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी आप प्राइस करते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ मैं खरीद कितने की रहा, सबसे पहले ये ज़रूरी है। अगर एक चीज़ आप 50 की खरीद दे रहे हैं फिर वो 70 की नहीं आप बेच सकते, जरूरी यह चीज़ है देखनी कि मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं प्राइस किड़िया रखी ने, फिर मैं उस हिसाब से क्वालिटी कि यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम बचे गोजना क्वालिटी जी भी होवेन मतलब फील लाजमी करा देगी, मुख्तलिफ टेस्ट लाजमी मुख्तलिफ होगा जी। ठीक है, आपके ख्याल में पब्लिसिटी का जैसा कि आपने कहा पहले आप बता चुके हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, सोशल सर्कल है या फिर अगर आप कह रहे हैं ट्रेस करवा के पेपर एक ट्रेस करवा के वो लोगों के घरों में वो भिजवाया जाए वो बेहतर है या सोशल सर्कल बेहतर है? ये दोनों ही करने चाहिए ने, मतलब अगर तुम मेनू कार्ड छपा के घर पाते हो ना, अगर 20,000 कार्ड तुम पाते हो तो 300 बंदा होंगे, मतलब 20,000 कार्ड तो सिर्फ 300 बंदा होंगे। सेम इस तरह अगर तुम पब्लिसिटी पर पैसे ला के ज़्यादा लोगों को खाना चाहते हो उसके पर फेसबुक उत्ते पब्लिसिटी अपनी तो वह भी थोड़ा शो हो रहा है कि 10,000 बंदे ने वेख्या, उस 10,000 बंदे तकरीबन 50 बंदे होंगे। हूँ तुम जो मेनू कार्ड है वो रोज़ाना तो नहीं पा सकते घर, लेकिन अपने फेसबुक पेज उत्ते रोज़ाना तस्वीर ला सकते हो, रोज़ाना अपने पैसे 5-10 रुपए ला सकते हो। तुम एक एवरेज बना लो कि मैं 300 रुपया महीने का फेसबुक पर लाना है, 400 रुपया मैं तकरीबन पब्लिसिटी इतना करनी है, मतलब वो मेनू कार्ड पाना है, तो ये दोनों ही मतलब चलनिया चाहिए कम अज़ कम 1 साल तक। जिस टाइम तुम मार्केट च आ जाते हो, जिस टाइम थोड़ा एक नाम बन जाता है यूरोप, जिस तरह कि साडा गैर मुल्कियां का नाम बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन काफ़ी बंदे ने बनाया भी है, आसान नहीं लेकिन नामुमकिन नहीं। जिस टाइम थोड़ा एक नाम बन जाता, एक लैवल बन जाता, फिर थोड़े वास्ते आसानियां पैदा होंगे ने, फिर तुम बेशक 2-4 साल अगर पब्लिसिटी ना भी करो तो चल जाता है, क्योंकि अगर काम घटेगा तो ही पब्लिसिटी करोगे जी। आपके ख्याल में एक रेस्टोरेंट को खोलने से पहले टीम तश्कील दी जाती है या बाद में उसको तश्कील देना चाहिए, अपने काम को देखते हुए कि इतना काम बढ़ेगा तो हम इतने अफराद एक्स्ट्रा रखेंगे, इतने लोग हम एक्स्ट्रा काम पे रख सकते हैं? इतने भी असी अक्सर बंदे जो गलती कर जाने
ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੁਖਾਲਫ ਸਿਮਤ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਸਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਟੀਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ 5-6-7-8 ਬੰਦੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹਕ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਬੰਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ 10 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ, 2-3 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਡੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਮਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਟੇਕ ਅਵੇ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਸ਼ਾਪ ਬਣਾ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਆਪ ਕਿਆ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਟਿਪਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਪੀਜ਼ੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, 10 ਪੀਜ਼ੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲਾ ਲਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗਾਹਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਪੀਜ਼ੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਰੋਟੀ